देखिए भाई, अब हमारे पास में ये 2 ग्लास हैं। एक ग्लास में हमने क्या करा है, मिल्क को ऐड कर दिया है वाटर में, और दूसरा ग्लास है जिसमें कि वाटर फिल्ड है। अब हम इस पे लेजर लाइट अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है। इस पे अगर हमने लेजर लाइट अप्लाई की तो हमें यहाँ पर इसके जो पाथ है, बेंडिंग ऑफ पाथ, वो हमें दिखाई देता है। इसमें बेंडिंग दिखाई देती है, मतलब पाथ की। बट इस ग्लास में जैसे ही हम अगर टॉर्च को इंसिडेंट कराते हैं, तो ये देखिए इसका कलर देखिए आप, ये जो इसकी कलर की अपीरियंस है वो आप यहां पर विजिबल हो पा रही है, आपको देख पा रहे होंगे, जो कि कलर यहां पर क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसका कलर देखो कंप्लीटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये किस वजह से होता है, इसका जो रीजन है वो है टिंडल इफेक्ट। यहां पर हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और यहां पर देखिए कोई भी अपीयरेंस नहीं हो रही है किसी भी कलर की, बट इसमें डालते ही कलर क्या हो रहा है, मिल्क व्हाइट कलर का होता है, बट ये कलर कैसे चेंज हो रहा है देखिए। तो इसके जो कलर चेंज होने की वजह से इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी देखिए व्हाइट कलर है ये। अब जैसे ही इसको हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे इस पे, तो हमें जो अपीयरेंस है कलर की, वो